हाय, वेलकम इन दिस वीडियो गाइस। दोस्तों, कई बार आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती होगी कि यहाँ पर अनसेव्ड नंबर आ जाता है एंड आप इसको डिलीट भी नहीं कर पाते हो। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अनसेव्ड नंबर को डिलीट कर सकें। बिकॉज कभी कभी ये रहता है कि आप किसी भी नंबर को भूलना चाहते हैं और वो आपके सामने बार बार आता है, या फिर कोई आपका प्राइवेट नंबर है वो डायल करने पर किसी के सामने आ जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आप अनसेव्ड नंबर को कैसे डिलीट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला जो नंबर रहता है वो आप डिलीट तो कर देते हैं, बट फिर भी वो कैश फाइल में रहता है कॉन्टेक्ट्स की, जिसके थ्रू जब भी आप उससे रिलेटेबल नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसा अनसेव्ड लिख कर आता है और वो नंबर पूरा शो होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हटा सकते हो आप। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स ओपन करना है। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले आपको अपना बैकअप ले लेना है कॉन्टेक्ट्स का। यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट्स डिलीट होंगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके फ़ोन में आपने कॉन्टेक्ट सेव कर रखे हों कुछ कुछ, जो कि डिलीट होने की संभावना रहती है, तो आप उनको कर सकते हो बैकअप। तो क्या करना है आपको, थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, मैनेज कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज सिम वन। तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज पे आपको क्लिक कर देना है एंड आफ्टर दैट आपके जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो हो जाएंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो जाएंगे, आपके फाइल मैनेजर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए 7% हो चुका है। सो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट्स डिलीट नहीं होंगे, बट कभी कभी चांसेस ये रहता है कि आपके फ़ोन स्टोरेज में अगर कॉन्टेक्ट सेव रहते हैं तो वो डिलीट हो जाते हैं। जैसे कि यूजली हम प्रेफर करते हैं कि हमारे सिम कार्ड में नंबर कॉन्टेक्ट सेव हो या फिर हमारे जीमेल अकाउंट पर सेव हो, बट कोई कोई हम फ़ोन स्टोरेज में भी सेव कर लेते हैं। उनके डिलीट होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए फर्स्टली आपको बैकअप ले लेना है। आप देख सकते हो एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको ये जो फाइल है वो कहाँ मिलेगी, स्टोरेज में जाना है, इंटरनल स्टोरेज में एंड आफ्टर दैट आपको सबसे नीचे कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कॉन्टेक्ट्स फिर से आपके फ़ोन में सेव हो जाएंगे। यहाँ पर हम सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स में आपको ऐप्स में एंटर होना है। एंड यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करके डिफॉल्ट ऐप में क्लिक कर देना है। ये वाला जो फ़ोन है वो मेरा है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम। आपके फ़ोन में डिफरेंट सेटिंग्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपको शो सिस्टम ऐप्स पर क्लिक करना है। आपको क्या करना है कि जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पर रहते हैं वो ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट्स वाला एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जो कि सिस्टम एप्लीकेशन है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्टोरेज में जाना है और क्लियर डेटा कर देना है। अब आपको फ़ोन में एंटर होना है, इसको हम बैक कर देते हैं। यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके कॉन्टेक्ट सेव हैं वो आपके फ़ोन में रहेंगे, ऑनली अनसेव नंबर डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम फ़ोन में एंटर होते हैं एंड फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 था, तो मैं 6 7, देखिए 7 लिख और 6 लिखने पर 7 नहीं आ रहा, जबकि पहले ही आ रहा था। तो अब क्या है कि जैसे मैं 7 लिखकर इसको डायल करता हूँ तो फिर से वो ये वाला जो नंबर है वो आ जाएगा अनसेव्ड में। तो मैं फिर से अगर करूँगा तो ये नंबर शो होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए आ गया। लेकिन जैसे ही आप ऐप्स में जाएंगे, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट स्टोरेज वाला जो एप्लीकेशन है मेन, उसका क्लियर डेटा कर देंगे।
यहाँ पर देखिए ऐसे शो नहीं होगा, आपको यहाँ पर शो सिस्टम एप्स करना पड़ेगा। अब आपको एप्लीकेशन सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कॉन्टेक्ट स्टोरेज पर क्लिक करके फिर से हम क्लियर डेटा कर देते हैं, तो यहाँ से फिर से वो चला जाएगा। ये देखिए 6 के बाद 7 लिखने 6 लिखने पर वो नहीं आ रहा है। एंड मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। यहाँ पर आपके अनसेव्ड कॉन्टेक्ट तो हो जाएंगे डिलीट, बट इसके साथ साथ आपने जो भी डायलिंग हिस्ट्री थी वो भी आपके डिलीट हो जाएगी, बट यहाँ पर जो भी आपके सेव्ड नंबर थे वो डिलीट नहीं होंगे। आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा कि आपकी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए आप क्लियर डेटा कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप डेली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं तो। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है या फिर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।